इसमेर रहीम सो वी आर डूइंग पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट आज हम बात करेंगे मिनिममस एंडशियंट फ्रंटियर्स वर दे हाउ दे इन थे सब इन्वेस्टेबल एसिट्स को हम ले हमने अपना पोर्टफोलियो बनाया नॉट प्रैक्टिकल एक्चुअली मतलब किताबों में तो आप कह सकते हैं कि हमने सारे एसेट्स को ज्वाइन कर लिया बट प्रैक्टिकली दैट्स नॉट वेरी वे ऑफ पॉसिबिलिटी तो इसके लिए फिर हमें थोड़ी सी फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है टू तो सेलेक्ट और कुछ को रिमूव करने के लिए कि इन्वेस्टेबल एसेट्स में से हमने अपने में कौन से एड ऑन करने हैं so, तो दिस प्रोसेस नीड्स टू बी टेकन केयर ताकि हमने यू प्रैक्टिकली व्हाट कैन बी डन दैट इज बीइंग टेकन केयर रिस्क वर्स इन्वेस्टर वांट्स टू फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स दैट मिनिमाइज रिस्क फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न मतलब क्या है सिंपल बात है रिस्क वर्स जो होता है वो यही चाहेगा कि मैं अगर इस रिटर्न का पोर्टफोलियो ले रहा हूँ तो मैं उसमें वो सिलेक्ट करूँ जिसका रिस्क फिर कम हो अगर एक ही रिटर्न दो पोर्टफोलियो ऑफर कर रहे हैं तो इसमें फिर मैं वो वाला प्रेफर करूँ जिसमें रिस्क मुझे कम लेना पड़ता है तो वी हैव टू सी विद द लेवल ऑफ रिस्क बाय वेरिंग द एलोकेशन टू अंडरलाइंग

विद द पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न एज वाई एक्सिस और पोर्टफोलियो की स्टैंड एविएशन को हम एक्स एक्सिस पे डाल के इसको हम प्लॉट करते हैं टू सी वेर इट टी लेवलियो विध मिनिमम रिस्क विल बी सिलेक्टेड बाय रिस्कर्स इन्वेस्ट मतलब हमारे पास अगर गिवन रिटर्न में दो तीन ऑप्शन है तो जो रिस्क एवर्स होगा वो लोएस्ट वाला सिलेक्ट कर लेगा कि गिवन रिस्क पे मुझे रिटर्न ज्यादा जहां मिल रहा है, या पे जो दे रहा है तो इस सिलेक्शन को अगर हम देखें तो एक मिनिमम फ्रंटियर बन जाता है कि ये एक मिनिमम लेवल है जो के एग्जिस्ट करता है फॉर अ एनी गिवन रिटर्न इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द मिनिमम वेरिएंसेस अब जितने तरह के होंगे उनको हम कलेक्ट कर लेंगे अच्छा जी फाइव परसेंट पे ये है सिक्स परसेंट रिटर्न पर यह है हर रिटर्न लेवल पर जब ले आएंगे तो विल हैव दिस एट द पॉइंट अलॉन्ग मिनिमम मिनिमेर पोर्टफोलियो कि ये पोर्टफोलियो है जो उसके साथ उस पे पर एग्जिस्ट करता है दिस प्रोड्यूस द हाइस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क इस रिस्क लेवल पे हाइस्ट रिटर्न यहाँ पे मिलेगा हम इसको ग्राफिकली भी अभी देखेंगे तो मेन ट्रस्ट इज के गिवन रिस्क पे मुझे हाइएस्ट रिटर्न चाहिए या गिवन रिटर्न पर मुझे लोएस्ट रिस्क चाहिए अलॉन्ग द मिनिम वेरियंस फ्रंटियर द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट इज पोर्टफोलियो विद मिनिम वेरियंस वेन कम्पेयर टू ऑल पॉसिबल रिस्की एसिट जब सारे रिस्की पॉसिबल एसेट को हमने डाल दिया प्लॉट कर लिया तो उसके जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे बना दैट इज कॉल्ड ग्लोबल मिनिमम वेरियंस पोर्टफोलियो के ये ग्लोबली जितने हमारे पास एसिड्स हैं एसिड क्लासेस हैं उन सबको हमने जब प्लॉट इन किया तो दैट इज़ द पॉइंट विच इज़ ग्लोबल फॉर ऑल द अवेलेबल और ये मिनिमम रिटर्न रिस्क पे हमें ये पॉसिबिलिटी अप्लाई होती है इफ़ यू कैन सी ग्राफ हमने बात की थी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न है वाय और हमारे पास पोर्टफोलियो के स्टैंड एविएशन है तो हमने वो प्लॉट कर दिए और उसकी बेस पर हमारा एफिशेंट फ्रंटियर बन गया कि गिवन स्टैंडर्ड एवियेन पे कितना हमारा रिस्क अवेलेबल हुआ तो यहाँ से अगर आप देखें कि यहाँ पे अगर स्टैंड एविएशन है तो इस लेवल पे हमारा जो है वो रिटर्न है तो ये सारे जब प्लॉट कर लिए तो ये एक एफिशिएंट फ्रंटियर बन गया और इस एफिशिएंट फ्रंटियर का जो स्टार्टिंग हमारा पॉइंट है यानी कि जहाँ पे बेस्ट पॉसिबल हम कह रहे हैं कि लोएस्ट लेवल ऑफ रिस्क पे जो रिटर्न है दैट इज कॉल्ड ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो तो ये हमारी उसकी जो है रिप्रेजेंटेशन है जो आगे डॉट्स देख रहे हैं दीज आर द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज जिनके अपने रिटर्न तो शायद डिफरेंट हैं लेकिन वो एफिशेंट फ्रंट से ऑब्वियसली वो नीचे हैं एन इन्वेस्टर कैन नॉट होल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की नोट रिस्क फ्री आर एक्सक्लूडेड एट दिस पॉइंट के मतलब सारे इसमें हमने रिस्क फ्री को अभी कॉम्पोनेट को नहीं डाला हम सिर्फ रिस्की एसेट्स की बात करें विद लोअर रिस्क देन ग्लोबल मिनिमम वेरियंस ग्लोबल मिनिमम से नीचे कोई इन्वेस्टर नहीं कमा सकता बिकॉज हमने ये सारे को प्लॉट करके लोएस्ट लेवल इसमें से कैलकुलेट कर लिया या गेज कर दिया द प्रोपोर्शन ऑफ द मिनिमम वेरियंस कर्व दैट लाइज अबव एंड ऑन द राइट टू द ग्लोबल इज नोन एज मार्क्वेट्स एफिशिएंट फ्रंटियर हमने पहले बात की थी कि जो ऑथर या जो ये थेरी को पेश करता है नॉर्मली उन्हीं के साथ ये रिफलेट कर दी जाती है तो मार्कवेट्स ने ये पेश की थी तो उसके साथ ये एफिशिएंट फ्रंट ईयर का कॉन्सेप्ट टैग है इट कंटेन्स ऑल पोर्टफोलियो दैट रेशनल अवर्स इन्वेस्टर वुड चूज कि जितने पॉसिबल जो भी बेहतर इन्वेस्टर मतलब लॉजिकल जो होगा रिस्क अवर्स होगा वो सिलेक्ट करेगा इट कैन ऑल्सो बी मॉनिटर्ड बाय स्लोप ऑफ एफिशियंट फ्रंट द चेंज इन यूनिट ऑफ रिटर्न पर रिस्क वो स्लोप जो है उसके साथ गेज की जा सकती है कि गिवन रिस्क पर कितना रिटर्न इंक्रीज हो रहा है मूविंग ऑन द हायर लेवल ऑफ रिस्क विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन रिटर्न बिगेन टू डिमिनिश ये हम क्या बात कर रहे हैं कि जब रिस्क बहुत ज़्यादा आप लेते जाते हैं तो शुरू में तो हमने देखा है रिटर्न बढ़ रहे हैं लेकिन एक सर्टन लेवल तक बढ़ेंगे उसके बाद ये थोड़ा फ्लैटन अप हो जाएगा बिकॉज इट कैन नॉट बी इनफिनिट के आप बढ़ाते रहें और आपका एक्सट्रीम लेवल का बढ़ता रहे एक सर्टन लेवल के बाद वहाँ पे डिमिनिश फैक्टर आ जाता है और वो एक फ्लैटन हो जाता है दिस मीन इट कैन नॉट अचीव एवर इंक्रीजिंग हमेशा बढ़ता नहीं रहेगा कि थोड़ा रिस्क बढ़ाते रहो तो रिटर्न बढ़ता जाएगा एक गिवन लेवल तक जाएगा उसके बाद फिर वो फ्लैट हो जाएगा अब इसीलिए हमने ये भी देखना होता है कि हमने बहुत रिस्क भी एक्सेसिव नहीं लेना इन्वेस्टर एक्सपीरियंस और डिमिनिशिंग इन पोटेंशियल एज पोर्टफोलियो रिस्क इज इंक्रीज क्योंकि पोर्टफोलियो बढ़ता जाता है तो बहुत ज्यादा रिटर्न शुरू में बढ़ेगा लेकिन बाद में एक टाइम पे आके रुक जाएगा ये अगर हम एफिशिएंट फ्रंटियर को गेज करें तो वो हमारा वही बात है कि जो हमारे फंड्स इससे नीचे फॉल कर रहे हैं वो उनको हम कहेंगे कि ये इनएफिशिएंट हैं जो लाइन पे फॉल कर रहे हैं वो ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज़ हैं या एफिशिएंट पोर्टफोलियोज़ हैं दिस इज हाउ वी कैलकुलेट और सेलेक्ट अ पोर्टफोलियो थैंक यू